इधर ठंड भी पड़ चुकी है, सिर्फ मैंने ये वाली जूते पहन लिए। एंड सामने देखो रोड है पूरा, किसी में चलाऊंगी अभी मैं अपनी साइकिल। एक ही हाथ से चला रही हूँ गाइस वीडियो करने के लिए, बस 2.5 किलो का कैमरा। गाइस आगे देखिए, आसपास पूरा पेड़ ही पेड़ है। एंड पहुंच चुके हैं बस अपने घर पे, आ गई है। मेरा गेट भी दिख रहा होगा जो वाइट कलर का एक ये रखा है ना, वाइट वाइट दिख रहा है ना, उसी के सामने ब्राउन कलर का गेट है, वही मेरा घर है। अब मुझे भी घर नहीं जाना, इसमें बैक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाने का कोई शौक है नहीं। पीछे ये देखो एक पतली गली है, लेकिन यहाँ पे मैं बचपन से बहुत बार आ चुकी हूँ अपने साइकिल को लेकर। सामने जाके ये देखो गाइस सूरज भी आ रहा है, सूरज हाँ ही आ रहा है क्योंकि अभी ठंड पड़ गई है। एंड आज बारिश भी होने का मामला था बट नहीं आया, बट अच्छी बात है वैसे तो। गाइस तो पोपट हो गया, मैंने जैसे ही बोला ना कि अभी धूप आ रही है बारिश नहीं होगी, थोड़ा आगे जाती मतलब जस्ट ऑनली 5-6 सेकेंड ही हुए होंगे बारिश के बूंदे गिरने शुरू। तब तक उतनी ज़्यादा बारिश आई नहीं, इसलिए मैं स्लो स्लो चला रही हूँ, लेकिन अपने घर के पास चला रही हूँ ताकि तेज़ होने पर मैं घर भी जा सकूँ। लेकिन मेरा साइकिल गिर जा रहा है, बाप रे बाप यार, पैडल के बीच में ही पैर चला गया था, वो तो अच्छा है, कुछ हुआ नहीं। बाप रे पैर में लग गया, मुझे चोट तो नहीं आई, अच्छी बात नहीं आई चोट। एंड ये बम्पर है ना, बम्पर की वजह से होता है सब कुछ, हमारे घर के सामने ही बस बम्पर लगा दिया, काम था मैं नहीं बम्पर लगाना है तो बम्पर लगाती क्यों, मैं घर में साइकिल चलाऊंगी तो अच्छा, तो बारिश होगा तो बच तो जाऊंगी कम से कम। यार आगे के रास्ते आपको दिखाई नहीं हो रहे, सो उस आगे मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरा रोड बिल्कुल बकवास रखा हुआ है। एंड गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी साइकिल को लेके। साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है वो भी कैमरा को लेके। एंड आसपास तो कुछ है भी नहीं, कोई है भी नहीं है, आराम से वीडियो बनाएंगे। फिर मुझे थोड़ा शर्म आता है रोड में ऐसे लेके कैमरा लेके, जो कैमरा को लेके ना लोगों के सामने शर्म आ रही है थोड़ा सा।